फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर हम आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं और आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। कारण आपका लाइफस्टाइल ही है। हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में कि ये किडनी स्टोन बनते ही क्यों हैं और इन्हें हम बनने से कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण से हमें ये स्टोन्स बन जाते हैं। तो आपकी किडनी में स्टोन बनना या पथरी की समस्या, गुर्दे में पथरी की समस्या जिसे कहते हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो ये क्यों बनते हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरी तरीके से हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। हमारा जो खाना पीना है बहुत हद तक इसका बनने का कारण होता है। इसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किडनी स्टोन को कैसे बनने से रोक सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और देखने के बाद वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद आए तो। चलिए जानते हैं किडनी स्टोन बनते क्यों हैं। फ्रेंड्स किडनी जो है हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है और इसका काम होता है हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको फिल्टर करना। तो ये दिन भर अपना काम करती रहती है। हमारे बॉडी में जितने भी चीज़ें हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, उनमें से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हें बचा लेती है और बाकी जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है उनको निकाल देती है। तो इसका काम नॉन स्टॉप चलता रहता है। लेकिन हमारी ही कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से बेचारी को स्टोन्स की समस्या हो जाती है और फिर इसके लिए कई बार सर्जरी करानी पड़ती है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि कई लोगों ने सुना होगा कि जो स्टोन्स हैं वो गल जाते हैं, निकल जाते हैं और कई कहते हैं नहीं ये दोबारा बन जाते हैं और इनके लिए सर्जरी करानी पड़ती है। सुना होगा ना आपने भी। तो आज हम बता देते हैं कि कौन कौन से स्टोन्स हैं जो निकल जाते हैं और कन के लिए सर्जरी करानी पड़ती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोन बनने के कारण की। तो फ्रेंड्स स्टोन्स का बनना एक हमारी प्रोसेस होती है। हम जो खाते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं जिसके कारण से स्टोन बनते हैं। तो जो किडनी के स्टोन्स होते हैं वे मिनरल्स और सोडियम से मिलकर बने होते हैं। अगर आप अपने खाने में ज़्यादा नमक और ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें खाते हैं या मिनरल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इनका जो ज़्यादा मात्रा में बनने पर ये क्रिस्टल के रूप में हमारे स्टोन में बनकर के ये किडनी में जमा होने लगते हैं। ये होती किन किन लोगों को है और किस कारण से बनती है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो यूरिन सिस्टम है जिसमें हम बाथरूम के लिए जाते हैं या जो आपकी यूरिन बनती है उसमें बनता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जब गाढ़ा हो जाता है तो उसके कारण से ये स्टोन बनते हैं, क्योंकि ये गाढ़ा होने पर सही से फिल्टर नहीं हो पाता और स्टोन बनते हैं। तो क्या कारण हुआ कि आप जब डिहाइड्रेट रहते हैं या आपके बॉडी में पानी की कमी होती है तो ये बनने लगते हैं, जिसके कारण से आपका जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है, यानी कि उसमें यूरिया यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, थिक हो जाती है और ये स्टोन्स के रूप में बनकर जमा हो जाती है। तो ज़रूरी होता है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है या आप डिहाइड्रेट रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, तो ये आपके स्टोन बनने की समस्या को ख़त्म करता है। दूसरी चीज़ है नमक का सेवन कम कीजिए, मिनरल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए ताकि आपको ये स्टोन्स बनने की समस्या ना हो। फ्रेंड्स अब हम स्टोन की साइज़ पर बात करें तो ये कई तरीके से बन सकते हैं। छोटे बड़े साइज़ के, हर साइज़ के स्टोन्स बन जाते हैं। तो कौन से स्टोन्स होते हैं जो घुल जाते हैं और कौन से होते हैं जिनके लिए हमें सर्जरी करानी पड़ती है। फ्रेंड्स सर्जरी का नाम सुनकर ही हम सब डर जाते हैं और कोई नहीं चाहता इतनी तकलीफ़ लेना। तो आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन की। तो किडनी में स्टोन बनता है तो कई बार ये छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होते हैं और कई बार थोड़े बड़े एमएम में हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो कई बार घुलकर निकल जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेडिसिन से घुल जाना या आप चाहे आप आयुर्वेदिक दवाई लें तो ये घुल करके यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो थोड़े थिक होते हैं या फिर जो यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाते हैं उनको निकालने के लिए फिर सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये दोनों तरह के जो स्टोन्स होते हैं दोनों के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें, थोड़ी डाइट में चेंज करें और हाइड्रेट रहें।
नेक्स्ट रीजन होता है जिसके कारण से स्टोन्स बन जाते हैं वो होता है आपका डाइट। डाइट में अगर आप प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो भी ये स्टोन्स बन जाते हैं। इसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि ये लोग फिजिकली एक्टिव कम रहते हैं, इनका वेट ओवर वेट होता है, बीएमआई भी इनकी अच्छी खासी होती है और ऐसे लोगों को रिस्क रहता है कि इनको स्टोन्स की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगर स्टोन बनते हैं तो आपको क्या सिम्टम आते हैं। किडनी स्टोन बनने पर जो सिम्टम आते हैं उनमें होता है यूरिन के करने जाने पर यानी टॉयलेट जाने पर आपको जलन हो सकती है, टॉयलेट जाने पर आपको टॉयलेट के साथ में ब्लड आ सकता है, आपका यूरिन है पूरी तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं होता, आपको लगता रहता है कि पूरी तरीके से हम हल्के नहीं हो पाए हैं, तो ये भी एक इसका सिम्टम होता है। इसके अलावा आपको जब सही से आपका जो यूरिथ्रा खाली नहीं होता तो आपको बार बार यूरिन आती है। इसके अलावा जो यूरिन आती है उसमें बहुत तीखी तेज़ गंध आती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप अपनी डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला हुआ आपको हाई प्रोटीन वाला खाना नहीं लेना है, दूसरा है बहुत ज़्यादा नमक वाला या सोडियम वाला जो पैक्ड फूड होते हैं उनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इनको नहीं लेना है। नेक्स्ट है आपको हाइड्रेट रहना है, शुगर यानी चीनी की मात्रा को भी आपको बहुत कम लेना है। इसके अलावा साबुत अनाज, पालक, चॉकलेट इनका भी सेवन आपको नहीं करना है। अगर फ्रेंड्स आपको यूरिन में करने में इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं जैसे जलन हो रही है, ब्लड आ रहा है, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें और अपना टेस्ट कराएं ताकि आपको पता चल सके कि आप तो कहीं स्टोन तो नहीं बन रहे हैं और वो छोटे रहने पर ही आप उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बिना सर्जरी के ही ये आपके ठीक हो जाएंगे क्योंकि मेडिसिन में कुछ ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ये स्टोन्स हैं वो घुल करके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें ये स्टोन जो हैं ज़्यादा थिक हो जाते हैं तो फिर उनके लिए सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये है स्टोन बनने के रीजन, उनका ट्रीटमेंट और क्योर। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।